सन 2016 में 251 रुपए के फ्रीडम 251 नाम के मोबाइल ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि इसकी घोषणा के कुछ दिनों के बाद ही इसे बनाने वाली जो कंपनी है रिंगिंग बेल को लेकर तमाम तरह की खबरें आने लगी थी। इस मोबाइल फोन के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू होती ही कंपनी की वेबसाइट पर बार बार क्रैश हो रही थी। इस वजह से बड़ी संख्या में लोग मोबाइल बुक करवाने के लिए कंपनी के ऑफिस तक पहुंच गए थे। अभी कंपनी का प्लान पूरी तरह परवान तक नहीं चल पाया था। इस बीच कई तरह की खबरें आने लगी। लोगों ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन बुकिंग करवाते समय उनके अकाउंट से पेमेंट तो हो गया लेकिन रसीद नहीं मिली। उस वक्त कंपनी के फर्जी होने की नेशनल कंज्यूमर फोरम से शिकायत भी की गई। एक तरफ कंपनी पर आरोपों का सिलसिला रुक नहीं रहा था। कंपनी नोएडा ने अपने ऑफिस शिफ्ट करने में लगी हुई थी। कंपनी ने कोर्ट को बताया कि जिन लोगों की मोबाइल फोन नहीं दिया जा सका है उनका पैसा पेमेंट गेटवे से लौटा दिया गया है। और सन 2017 में 23 फरवरी को कंपनी के MD पद छोड़ चुके मोहित को 16 लाख रुपए की पेमेंट के विवाद में गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में इस कंपनी ने एक स्कैम और कर डाला है। क्या आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।